नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम एप्पल सीरीज 6 की क्लोन स्मार्ट वॉच है जो कि WS22 इसका मॉडल नंबर है, इसी का ही आज के वीडियो में हम कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। इसका स्पीकर क्वालिटी कैसा है, इसके अंदर जो सेंसर्स कंपनी वालों ने प्रोवाइड किए है वो सही से काम करते हैं या फिर ऐसे ही शो अप के लिए, तो जो भी रहेगा इसके अंदर वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और यह स्मार्ट वॉच है वो आपको बाय करनी हो तो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो और भी इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके साथ में क्या क्या कंपनी वाले एक्सेसरीज देते हैं और इसके अंदर जो फीचर्स है वो क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का अनबॉक्सिंग। तो फाइनली दोस्तों, हमारे सामने सीरीज 6 की क्लोन स्मार्ट वॉच है वो आ गई है। यहाँ पे इसके मॉडल नंबर की बात करें तो HW22 Pro इसका मॉडल नंबर है। इसका जो पैकिंग है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेबल है, तो यहाँ पे इसका करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है और यहाँ पे स्मार्ट वॉच के अंदर जो भी फीचर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बॉक्स को करते हैं ओपन और इसका फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यह पिंक कलर की स्मार्ट वॉच है और यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो भी पिंक कलर के है। और दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच है वो 4 to 5 कलर्स में अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बाय करना चाहते तो कर सकते हो। स्ट्रैप की बात करें तो सिलिकन स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं, जो नॉर्मल सिलिकन स्ट्रैप रहते हैं उससे काफी बेहतर ये स्ट्रैप आपको देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी काफी अच्छी है, तो इसको असेंबल करेंगे अभी। और फाइनली हमारे सामने जो स्मार्ट वॉच का डायल है वो आ गया है, अभी इसको साइड में करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बॉक्स के अंदर हमको एक वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है और बॉक्स के अंदर एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है जो कि स्मार्ट वॉच के बारे में इसके अंदर सभी मेंशन किया हुआ है, तो आप रेड करके यूज करना चाहते हो स्मार्ट वॉच को तो कर सकते हो, इसको करते हैं साइड में। तो फाइनली यहाँ पे स्मार्ट वॉच का जो डायल है वो आ गया है। इसका जो पूरा फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है और बैक साइड में ये ग्लास देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कंपनी वालों ने सेंसर्स प्रोवाइड किए हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्पीकर देखने को मिल जाता है, राइट हैंड साइड में एक क्राउन देखने को मिल जाता है जो कि वर्किंग क्राउन है और माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, एक्शन बटन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रैप है उसको असेंबल करते हैं और इसका फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका फाइनल लुक है वो देख सकते हैं स्ट्रैप लगने के बाद में, जो कि काफी शानदार है स्मार्ट वॉच है वो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो कितना गजब का दिखाई दे रहा है। स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए सिंपली से जो एक्शन बटन है उसको प्रेस करके रखना है तो स्मार्ट वॉच है वो ऑन हो जाएगी, देख सकते हैं ऑन हो गई है। जो क्राउन है वो वर्किंग क्राउन है, इससे वॉच फेसेस है वो चेंज करना चाहते तो आप कर सकते हो, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं तो इसका स्क्रीन है वो ऑफ हो जाता है, वापस से प्रेस करते हैं तो स्क्रीन है वो ऑन हो जाता है। और जो एक्शन बटन है उसकी मदद से भी स्क्रीन को ऑन ऑफ करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो 1.75 इंच की IPS HD रेटिना क्लियर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पे इसके ऊपर जो ग्लास है वो स्क्रैच रेसिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो पूरी फ्रेम आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है और बैक साइड में मैंने आपको बताई दिया जो कि ग्लास देखने को आपको मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे ऊपर के साइड से स्वाइप अप करते तो आपको शॉर्टकट फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि यहाँ पे बैटरी स्टेटस देखना चाहते तो देख सकते हो। फिर यहाँ पे कनेक्टिंग का आइकन है, उसके बाद में यहाँ पे मोशंस के अंदर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का मोशन देखने को मिल जाता है, जो कि ऑन ऑफ करना चाहते तो कर सकते हो। फ्लिप टू म्यूट अलार्म क्लॉक है, उसको ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। टर्न रिस्ट टू ब्राइट स्क्रीन है, उसको ऑन ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेक टू आंसर द कॉल है, उसको ऑन ऑफ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मोशन के अंदर भी आपको 4 अलग अलग टाइप के मोशन है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लाइक ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूट अनम्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर यहाँ पे मेन्यू स्टाइल के अंदर आपको 4 टाइप के अलग अलग मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो भी सेट कर सकते हो। टॉर्च के अंदर आपको टॉर्च ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो।
फिर यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर यहाँ पर बैटरी वाले आइकन पे टैप करते हो तो इसका ब्राइटनेस है वो आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो, कम ज्यादा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करते तो यहाँ पे एक सुटकुछ बार दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर आपको टाइम है, डे है, मंथ है, वो सब देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, स्मार्ट वॉच को लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट वॉच को नीचे से स्वाइप अप करते तो इसका जो मेन्यू है वो ओपन हो जाता है, तो मेन्यू के अंदर भी आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक मैसेज का है, डायलर का है, फोन बुक है, कॉल लॉक्स है, ब्लूटूथ है, फिर यहाँ पे पेडोमीटर है, उसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ECG है, स्लीप मॉनिटरिंग है, वेदर अपडेट है, स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ब्लूटूथ म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया, अलार्म क्लॉक सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, स्टॉप वॉच है, फिर यहाँ पे फाइंड माय फोन है, बॉडी टेम्परेचर यहाँ से चेक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, फिर यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाते हो तो ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसका विजिबिलिटी है वो ऑन ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ से, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का जो QR कोड है वो यहाँ पे स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। क्लॉक के अंदर आपको टाइम सेटअप करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, लाइक फॉर्मेट हो गया वो सब सेटअप करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन ब्राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यूनिट्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको मैट्रिक है, इंपेरियल है, यह सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पासवर्ड इसके अंदर सेट करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर फीचर्स है वो प्रोवाइड किया है, तो यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड है वो अपने हिसाब से स्क्रीन पे सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। साउंड के अंदर जाते तो यहाँ पे अलर्ट टाइप है, फिर यहाँ पे रिंगटोन है, नोटिफिकेशन टोन है, तो वो आप अपने हिसाब से वो भी सेटअप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो कम ज्यादा करना चाहते हो, लाइक मल्टीमीडिया का है, रिंग का है, नोटिफिकेशन का है, तो वो यहाँ से कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाते तो यहाँ पे मेन मेन्यू स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हो, लाइक जो मेन्यू स्टाइल रहता है वो कर सकते हो। इसके अंदर से ब्राइटनेस कम ज्यादा करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। स्क्रीन टाइम आउट होता है वो मिनिमम है वो 5 सेकंड का देखने को मिल जाता है, और मैक्सिमम है वो 1 मिनट का देखने को मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो स्क्रीन टाइम है वो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। इंटरनेशनल के अंदर जाते तो यहाँ पे ऑटो साइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नेम डिस्प्ले, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वो सब यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे इसको रीसेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अबाउट के अंदर इसके बारे में जो भी डिटेल रहता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ब्लूटूथ से कैमरा कंट्रोल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेडेंटरी अलर्ट देखने को मिल जाता है, इसके अंदर कैलकुलेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल फीचर्स है। और यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर जो कि मैंने अभी बता ही दिया है, और QR कोड देखने को मिल जाता है, मोशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है जो कि आप ओके गूगल है सीरी को कमांड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और इसके अंदर आपको पेमेंट का ऐप देखने को मिल जाता है, इसको आप ना ही यूज करें तो बेटर है, क्योंकि ये सब चाइनीज एप्लीकेशन से ऑपरेट रहता है, तो आप अपनी जो डिटेल है वो इसके अंदर ऐड ना ही करें तो बेहतर है। उसके बाद में मेन्यू स्टाइल के अंदर जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि 4 टाइप के अलग अलग मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में इम्यूनिटी के अंदर जाते तो इसको वाइब्रेट करना चाहते हो या फिर कॉल पर रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फन के अंदर आपको एक गेम देखने को मिल जाता है जो कि टॉप गन करके गेम है, तो आप फ्री टाइम में इसको यूज करना चाहते हो, खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, देख सकते हैं, काफी बेहतरीन गेम है। फिर यहाँ पे ड्रिंक रिमाइंडर सेट करना चाहते हो, फेसबुक के नोटिफिकेशन है वो ऑन ऑफ करना चाहते हो, ट्विटर के नोटिफिकेशन है वो ऑन ऑफ करना चाहते हो, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन है वो ऑन ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स है वो यूजफुल फीचर्स प्रोवाइड किए कंपनी वालों ने, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इस वाली स्मार्ट वॉच की जो एप्लीकेशन रहती है कनेक्टिंग के लिए, फोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो RD फिट करके एप्लीकेशन रहती है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी, और एप्पल यूजर तो एप्पल के ऐप स्टोर में भी ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली से मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से मैंने कर दिया ओपन। ओपन करते ही यहाँ पे आपके सामने जो भी परमिशन मांगेगा ये एप्लीकेशन, तो आपको अलाउ कर देना है, एक्सेस कर देना है।
स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट हो गई है फ़ोन से, तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ से नोटिफिकेशन है वो ऑन ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। फिर यहाँ पे टेक फोटो है, ब्लूटूथ कॉल है, फाइंड माई डिवाइस है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ECG टेस्ट है, वेदर अपडेट है, ये सब इसके अंदर जो देखने को मिल जाता है, तो आप इनको यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। दोस्तों इस वाली स्मार्ट वॉच का जो स्पीकर क्वालिटी कैसा है उसको मैं आपको सुना देता हूँ, आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका स्पीकर क्वालिटी कैसा है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, जो फ़ोन के अंदर जो स्पीकर रहता है सेम आपको इसके अंदर जो स्पीकर है वो देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस वाली स्मार्ट वॉच के अंदर जो सेंसर्स कंपनी वालों ने ऐड किए हैं वो काम करते हैं या फिर ऐसे ही शो ऑफ के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पे ऑक्सीमीटर और इसका जो हार्ट रेट है वो कितना एक्यूरेसी के साथ आता है, लाइक कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीमीटर को फिंगर में डाल दिया है, उसके बाद में सेंसर से उसको मैं ऑन कर देता हूँ हार्ट रेट को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 94 इसके अंदर आ रहा है, ये हार्ट रेट दिखा रहा है, और यहाँ पे 83 इसके अंदर आ रहा है। तो इस टाइप से इसके जो सेंसर्स है वो वर्क करते हैं, आपको भी आइडिया लग गया होगा। और इसके अंदर जो सेंसर है वो हार्ड सरफेस पे काम करते हैं या फिर नहीं करते, तो मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दिया, उसके बाद में इसको करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो हार्ट रेट है वो आ गया 76, मतलब इस टेबल के अंदर है वो जान है। देख सकते हैं दोस्तों इसका 86 हार्ट रेट है वो आ गया, मतलब इसके जो सेंसर्स है वो हवा में भी रीडिंग ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बैटरी की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको इसको फुल चार्ज करना है, तो 3 आवर्स आपको चार्ज में लगा के रखना है तो यह स्मार्ट वॉच है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप इसको हैवी यूज करते तो 1 से 1.5 दिन तक इसका जो बैटरी बैकअप है वो आराम से चल जाएगा, और अगर आप इसको नॉर्मली यूज करते तो 3 डेज तक इसका जो स्टैंड बाय टाइम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से यह चार्जर है उसके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा खड्डा टाइप, तो यहाँ पे आपको सिंपली से स्मार्ट वॉच को रख देना है, तो स्मार्ट वॉच है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। तो सरफेस रहता है उस पर ही आपको रखना है, लटका के नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट नहीं रहता है, देख सकते हैं इतना खास मैग्नेट नहीं रहता है, तो आपको ध्यान से कोई भी सरफेस है उसके ऊपर ही आपको लगा के इसको रखना है। तो दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग वीडियो तो आपने कम्प्लीटली देख लिया, इसके अंदर जो भी फीचर्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसके सेंसर्स कितने अच्छे से काम करते हैं वो भी आपको आइडिया लग गया होगा, इसका स्पीकर क्वालिटी कैसा है उसके बारे में भी आपको आइडिया लग गया होगा, स्मार्ट वॉच है वो बाय करना वर्थ है या फिर नहीं वर्थ है, तो उसके बारे में हम बात कर ही लेते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो इसके बैटरी से लेकर है, और दोस्तों यहाँ पे इसका जो टच कंट्रोल है वो एकदम स्मूथली काम करता है, आपको इसके अंदर जो लैग है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 4 to 5 कलर्स में ये स्मार्ट वॉच है वो देखने को मिल जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो लिंक है, बाइंग लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से उसका प्राइस देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं, और इसको बाय करना चाहते तो बाय भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज का अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो, आज का अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।